गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। CMA इंटरमीडिएट लॉ का एग्ज़ाम सैटरडे को होने जा रहा है और उसी को लेके मैं रिवीजन स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, मैं पूरा डिस्कस करूँगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। हम लोगों के पास अभी 40-50 आवर्स है पढ़ने का टाइम बिफोर दी एग्ज़ाम। CMA इंटरमीडिएट में सबसे पहला पेपर जो होता है दैट इज़ लॉ पेपर, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, जो सैटरडे को है। इंटर या फाइनल दोनों में पहला पेपर लॉ का होता है। ऐसे तो हम जानते हैं कि अगर कोई CMA का स्टूडेंट बोथ ग्रुप दे रहा है तो उसको कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन पहला पेपर होने की वजह से लॉ में आपके पास रिविजन का कुछ टाइम है। तो रिविजन के ऊपर मैं तीन मेन मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ। नंबर वन, वेटेज। इंस्टीट्यूट ने बता रखा है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है फॉर एग्जाम, तो उस वेटेज को हमें कंसिडर करना चाहिए। सेकेंड, एस्टिमेटेड टाइम, टोटल रिविजन 40 आवर्स में हो जाएगा, किस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा। एंड थर्ड इज सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स, कि किस चैप्टर को पहले रिवाइज करना चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा लॉ का पेपर है CMA का, वो चार भाग में डिवाइडेड है, सेक्शन ABCD। कमर्शियल लॉ 30%, सबसे ज़्यादा वेटेज ना सेक्शन सी का है, कॉर्पोरेट लॉ का 40%। कॉर्पोरेट लॉ का वेटेज आप देखो 40% है, और फिर दो नंबर पे आता है कमर्शियल लॉ विच इज 30%। तो 70% जो हमारा सिलेबस है वो तो कॉर्पोरेट लॉ और कमर्शियल लॉ के बीच ही में, और दोनों का जो फ्लेवर है वो ईजी है। फिर दो हमारे जो सेक्शंस है, सेक्शन नंबर बी और डी, ये डिफ़िकल्ट हैं। डी आसान बोलूँगा, बी डिफ़िकल्ट है। बी का वेटेज है सिर्फ 15% इंडस्ट्रियल लॉस, पर इसकी जो लैंग्वेज और डेटा होती है वो हार्ड होती है थोड़ी याद करने में, पर वेटेज 15% ही है। और सबसे ईजी है सेक्शन नंबर डी, बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। छोटा चैप्टर है पर 15% का वेटेज है, तो ये वेटेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुमको मेरे हिसाब से तीन मेन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, सेक्शन ए, सी और डी। पहले इनको रिवाइज करो और बी को लास्ट में, ताकि बी अगर लास्ट में रिवाइज करके जाओ ना तो वो एग्जाम में मतलब याद रहेगा, डेटा याद रहेगा उसका। सेक्शन ए, सी और डी को पहले करना चाहिए। वी विल ऑलवेज स्टार्ट विथ सेक्शन सी, कॉर्पोरेट लॉ 40% वेटेज है। देन वी विल गो टू सेक्शन ए, कमर्शियल लॉ 30% वेटेज है। देन वी विल गो टू सेक्शन डी, बिजनेस एथिक्स 15% वेटेज है। और लास्ट में हम आएंगे सेक्शन नंबर बी, इंडस्ट्रियल लॉस पर। अब चैप्टर वाइज वेटेज क्या वो देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन ए कमर्शियल लॉ ऐसे तो 30% का है, पर इसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं और अलग अलग वेटेज दिया हुआ है। लीगल सिस्टम नया चैप्टर है 5%, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा है 10%, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने को 5%, और पार्टनरशिप LLP मिलाकर 5%। तो पार्टनरशिप को अलग से 5 और LLP को अलग से 5 नहीं, दोनों मिला के 5 है, ये याद रखना। तो अकॉर्डिंगली टाइम उतना ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉ में जो पहले 4 चैप्टर है, फैक्ट्री, ग्रेचुटी, PF और ESI, इनका मिला के 10%, और कोड ऑन वेजेस नया चैप्टर डाला गया वो अलग से 5% है। सेक्शन सी कॉर्पोरेट लॉ अलग से बाइफर्केशन ही बताया, कुल मिला के बोला 40% है। अब इसमें जो बेसिक कंपनी लॉ है सेक्शन 1 से लेके 122 वो तो पूरा है, परंतु डायरेक्टर्स की अगर आप बात करो तो वो बहुत हल्के लेवल पे बेसिक डिस्कशन है, तो ये मिला के 40% वेटेज है। और सबसे सिंपल है बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कुल मिला के 15% का वेटेज रखता है और चैप्टर का साइज ही बहुत छोटा है। तो ये तो हो गया वेटेज तुम लोगों के लिए। अब सर सीक्वेंस एंड टाइम, ठीक है, ये देखो सेक्शन ABCD सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, लास्ट में मैंने एस्टिमेटेड टाइम फॉर रिवीजन लिखा है और बीच में लर्निंग सीक्वेंस। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए सेक्शन सी कॉर्पोरेट लॉस, 40% का वेटेज है। अच्छा, एक स्टूडेंट का दिक्कत क्या आता है कि सर कंपनीज एक्ट जो है ना वो सेक्शन नंबर 1 से लेके 122 जो बहुत सारे हैं, मैं कैसे पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। क्वेश्चन आंसर छोड़ दो, क्वेश्चन आंसर मत देख के जाओ, खाली जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ के चले जाओ, काम हो जाएगा। लीव द क्वेश्चन आंसर, छोड़ दो अभी, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट जो सेक्शन 1 से 122 है, एकदम पूरा एकदम जान लगा के बैठ जाओ, अभी पहला काम वही करो, 10 घंटे में उसको पूरा रिवाइज करके खत्म करो फटाफट फटाफट। क्वेश्चन आंसर देखो मत, सिर्फ थ्योरी पढ़ो, तरातर, और तुम देखोगे जब तुम फोकस देके पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली बहुत सारी बातें तुमको याद आनी चालू हो जाएंगी। इतना कुछ जो मैंने क्लास में बोला है सब दिमाग में तन 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 मेरी आवाज़ में सुनाई देगा, ठीक है। तो 10 घंटे लगा के उसको पहले रिवाइज कर लो। देन यू गो टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स तुम लोग के डिटेल में नहीं है, हल्का फुल्का है, इसीलिए वो 3 घंटे में हो जाएगा। तो 13 आवर्स के अंदर आज का पूरा आप लक के पीछे पड़ो और कॉर्पोरेट लॉस को खत्म कर दो। नेक्स्ट डे यानी कि टुमारो आपको उठाना चाहिए बिजनेस एथिक्स, तीसरा टॉपिक। बिजनेस एथिक्स जो है छोटा चैप्टर है, 15% वेटेज बहुत अच्छा है, और 2 घंटे में आराम से हंसते गाते कर सकते हो। बिजनेस एथिक्स की तो क्लास भी मेरी यूट्यूब पर डाली हुई मिल जाएगी। फिर कमर्शियल लॉ पे आना, ठीक है।
कमर्शियल लॉज में ये 6 चैप्टर हैं, इनको कुल मिलाकर आपको 15 आवर्स लगेंगे पढ़ने में। देखो ये पहले वाले जो 4 हैं ना, ये थोड़े बड़े बड़े हैं, 3-3 घंटा लगेगा, और पार्टनरशिप और LLP मिला के 3 घंटा लगेगा, तो 15 घंटे के अंदर ये हो जाएगा। तो कल का पूरा दिन कमर्शियल लॉज को डेडिकेट करो। तो आज और कल अगर तुम जम के पढ़ लिए ना, तो तुम्हारा सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ए हो जाएगा। फिर बचेगा क्या सर? सिर्फ सेक्शन नंबर बी, विच इज़ इंडस्ट्रियल लॉज। और इंडस्ट्रियल लॉज कितना है? 15% वेटेज है खाली, ज़्यादा बड़ा वेटेज नहीं, कम वेटेज है। तो उसको लास्ट के लिए रखो, यानी परसों का दिन तुम इंडस्ट्रियल लॉ को डेडिकेट करना 10 घंटे, 2-2 घंटे लगभग प्रत्येक चैप्टर। कोड ऑन वेजेस नया है, उसको 2.5 घंटे देना, ज़्यादा वेटेज देना, तो ये सारे मिलाकर 10 घंटे में हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास आज कल परसों 3 दिन मिला के 40 आवर्स का टाइम तुमको लॉ पे डिवोट करना है। मैं बता रहा हूँ, बहुत फ़ायदा होगा लॉ में, भयंकर फ़ायदा होगा। ऑब्जेक्टिव्स पे अगर तुम मेरे बताए हुए इस स्ट्रैटेजी के अनुसार पढ़ लेते हो ना, तुम्हारे लॉ पेपर में आराम से बोल रहा हूँ 60+ क्या, वो मौका पे तुम देखोगे एकदम चमत्कार हो जाएगा, 70-80 में चला जाएगा। और पहला पेपर में अगर तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हो ना, योर कॉन्फिडेंस इज सो हाई फॉर द रिमेनिंग 7 पेपर्स, कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे हर पेपर पे प्रभाव पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया है, तुम लोग ये काम कर सकते हो, जैसे पॉज करके ना, मेरे पास इसकी फाइल अभी नहीं है, तुम पॉज करके इसकी फोटो ले सकते हो। ठीक है, ये वेटेज देख लो ऐसे, क्लियर। मैं देखता हूँ इसकी फाइल इमेज में बना के बाद में अलग से टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, 3 डेज अपना बेस्ट दो, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सबका पेपर अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।